विजय सेतुपति के बाद क्या अब यश करेंगे इस बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ काम? क्या हिंदी और साउथ का फिर से होने जा रहा है बड़ा कोलैबोरेशन? दरअसल साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर बहुत खबरों में बने हुए हैं। कुछ महीने पहले फिल्म टॉक्सिक का एक अनाउंसमेंट वीडियो भी शेयर किया गया था और इस फिल्म के अलावा यश का नाम रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण से भी जोड़ा जा रहा है। रामायण को लेकर भी इस टाइम खूब बस बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यश इस फिल्म में रावण का कैरेक्टर प्ले करेंगे और बस इतना ही नहीं, लग रहा है कि यश इस टाइम सभी के फेवरेट बन चुके हैं क्योंकि अब उनका नाम एक नई फिल्म के साथ भी जोड़ा जाने लगा है। यश बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के साथ फिल्म में काम करने की तैयारी कर रहे हैं और अब इस फिल्म को लेकर डिस्कशंस भी शुरू हो चुकी हैं। फिल्म KGF और KGF 2 से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुपरस्टार यश का नाम एक के बाद एक फिल्मों से जोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से यश अपनी अगली फिल्म के लिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से बातें कर रहे हैं। इस दौरान फिल्म के आइडिया को लेकर भी बात हुई है और साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यश ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ काम करने की बात भी कही है। तो अब हो सकता है कि यश और शाहरुख खान साथ में एक्शन फिल्म में नजर आएं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वैसे एक सोर्स ने इस पूरी बात को गलत भी बता दिया है। आपको बता दें कि यश अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक में एक दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उन्होंने हाई ऑक्टेन एक्शन किया है। बाकी फिल्म टॉक्सिक से यश का लुक भी सामने आ चुका है, जिसे देखने के बाद माना जा रहा है कि ये फिल्म KGF 2 से भी ज्यादा जबरदस्त हो सकती है। लेकिन अगर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और साउथ सुपरस्टार यश के एक साथ काम करने की बात सच हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन होने वाली है। जवान में भी शाहरुख खान ने विजय सेतुपति के साथ काम किया और सभी ने उस फिल्म को बहुत प्यार भी दिया है। अब अगर शाहरुख खान और यश एक साथ आते हैं तो वो भी एक बड़े धमाके से कम तो नहीं होगा। खैर, इस जोड़ी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए बने रहिए ENT Live के साथ।